हिंदू योद्धा परिवार एचवाईपी के कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी सहारनपुर के पास और बताया, निगम द्वारा संचालित पशु वधशाला में पशुओं का अवैध कटान किया जा रहा है। चौधरी विश्व सिंह कंबोज, संस्थापक हिंदू योद्धा परिवार एचवाईपी ने बताया, वैसे तो पशुओं की हत्या निंदनीय है, लेकिन निगम द्वारा शहर की आपूर्ति हेतु 150 पशुओं के कटान की अनुमति दी गई है, परंतु वधशाला में प्रतिदिन अवैध रूप से 2000 से 3000 पशुओं को अवैध रूप से काटा जा रहा है और उसकी आपूर्ति शहर से बाहर अवैध रूप से निगम के अधिकारियों से सांठगांठ करके भेजा जा रहा है। अभिषेक दुआ भारत जन सेवा संघ ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारियों की इस कार्य में संलिप्तता है। पशु वधशाला में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ईटीपी प्लांट भी सही नहीं कार्य कर रहा है, वहां पर किसी भी प्रकार की लॉन्ग बुक नहीं रखी हुई है, पशुओं का डॉक्टरी परीक्षण भी नहीं किया जा रहा है, इससे जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, पशु कटान की वीडियोग्राफी नहीं कराई जा रही है, जांच की जाए कि वहां पर अवैध रूप से गोवंश का कटान तो नहीं हो रहा। उन्होंने प्रदूषण अधिकारी महोदय से मांग की कि पशु वधशाला में जारी अनियमितता की अपने स्तर से जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करे तथा जनता के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ को रोका जाए। यदि उक्त सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो हिंदू योद्धा परिवार एचवाईपी पशु वधशाला पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने को मजबूर हो। मैं चौधरी सिंह कांबोज, हिंदू योद्धा परिवार से। आज हम लोग सभी जो है हिंदू योद्धा यहाँ पर नगर निगम जो द्वारा जो संचालित पशु वधशाला है उसके संदर्भ में यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इनके पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि वहाँ पर जो निगम द्वारा संचालित जो पशु वधशाला है वहाँ पर जो है नियमों की काफ़ी अनदेखी हो रही है। जैसे कि वहाँ पर 150 पशुओं का कटान की जो है मान्यता है, लेकिन वहाँ पर 2 से 3 हज़ार पशु डेली काटे जा रहे हैं, जिसकी जो लॉन्ग बुक डॉक्टरी परीक्षण वहाँ पर नहीं है और ना वहाँ पर किसी सीसीटीवी की व्यवस्था है, और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है किसी भी प्रकार से। और वहाँ पर जो मीट जो 150 पशुओं का जो शहर के अंदर आपूर्ति की बात कही गई है निगम द्वारा, लेकिन उसका जो मीटर शहर से बाहर भी जा रहा है और यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया भी जा रहा है, तो लोगों की जान माल के साथ काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस संदर्भ में आज हम नगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इनके पास आए हैं और उनको इस चीज़ से अवगत कराया है और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी इस चीज़ पर कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।